स्टूडेंट कैसे आप, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ के इंग्लिश के लेसन नंबर 12 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट। इसका मींस है एक तरफा टिकट, मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं और वहां से वापस आ रहे हैं तो वहां का एक तरफ का ही टिकट। ठीक, यहां पर हमें कुछ एक क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक द मोस्ट। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, आपको अपने मित्र के कौन से गुण सबसे अधिक पसंद है। तो बच्चों, वैसे तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बेस्ट सभी का ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगा उसका, क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्त इस वीडियो को देखें और उन्हें बुरा लगे कि हम भी तो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो बच्चों, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ योर फ्रेंड डू यू लाइक मोस्ट। तो आपको अपने फ्रेंड की कौन सी क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे मेरे फ्रेंड की सबसे ज़्यादा क्वालिटी ये पसंद है कि बच्चों, वो मेरे दुख और सुख दोनों में बराबर से साथ देता है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो सुख में तो हमारे साथ में रहते हैं, लेकिन दुख में हमारे साथ नहीं रहते। जैसे हम पे कोई बुरा समय आता है तो वो कोई ना कोई बहाना लेकर दूर चले जाते हैं। तो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे दुख और सुख दोनों में साथ में रहता है। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, हैव यू एवर बीन टू अ फेयर, व्हाट यू लाइक टू डू देयर। क्या आप कभी किसी मेले में गए हैं, आप वहाँ क्या करना पसंद करते हैं। तो मैं बहुत सारे मेलों में घूम चुका हूँ बच्चों, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ग्वालियर का मेला पसंद है, क्योंकि ये यहाँ से नज़दीक पड़ता है और अच्छा मेला है, क्योंकि मैं ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। और मेले में हम जाते हैं तो बच्चों वहाँ चाट पकौड़ी वगैरह खाते हैं, प्लस वहाँ पर झूले वगैरह झूलते हैं और हम वहाँ से कुछ ख़रीदारी भी करते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम मेले में करते हैं, आप भी इसी तरीके की चीज़ें वहाँ पर करते होगे बच्चों। आप भी कमेंट में लिख सकते हैं कि किस तरीके के आप एक्टिविटीज़ मेले में करते हैं। अब यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीड दिस स्टोरी ऑफ फाइव फ्रेंड्स फ्रॉम अ विलेज एंड देयर एडवेंचर्स व्हाइल गोइंग टू अ फेयर। एक गांव के पांच दोस्तों और मेले में जाते समय उनके कारनामों की ये कहानी पढ़ें। यानी इस कहानी में हम पांच दोस्तों को और वो जब है ना मेले में जाते हैं तो वहाँ क्या क्या कारनामे करते हैं, उन चीज़ों को इस कहानी में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन देख रहे हैं एक एक फ्रेंड का, जो फाइव फ्रेंड्स हैं उन सभी फाइव फ्रेंड्स का ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं किस्तो इज 12, मतलब ये जो लड़का है वो कौन है, किस्तो है, ये 12 साल का है। ठीक, ही वेयर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता, हिज फादर्स पर हैप्स। तो यहाँ पर लिखा है वह लंबी खादी कुर्ता पहने हुए शायद उनके पिता का है, यानी जो इसने लंबा सा एक कुर्ता पहना हुआ है वो उनके पिता का लग रहा है, क्योंकि ना बहुत से बच्चे क्या करते हैं अपने पिता के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वो हाइट में तो उतने नहीं होते लेकिन कपड़े उनसे लंबे लंबे निकलते हैं। हिज पायजामाज आर ऑलवेज टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग। उसका पजामा हमेशा उसकी लंबी टांगों के मुकाबले बहुत छोटा होता है। यानी यहाँ पर हम पजामा देखेंगे इसका, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि है ना इसका जो पजामा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है इसकी लंबी टांगों की अपेक्षा, ये है ना। ही वेयर हिज लॉन्ग हेयर लॉन्ग दे आर पैस्ड ऑन हिज हेड लाइक ए थैच। वह अपने बाल लंबे रखता है, वे उसके सिर पर छप्पर की तरह चिपका दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस बच्चे के कितने लंबे लंबे बाल हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे छप्पर हो। तो छप्पर हम बोलते हैं बच्चों जो झोपड़ियों के ऊपर जो घास फूस से एक छपड़ा टाइप का बना के डाल दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, छप्पड़ बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से ये छप्पड़ की तरह इसके बाल लग रहे हैं। ही कॉपीज एवरी वन इन द विलेज फ्रॉम हिज दादी टू द राशन शॉप मैन विथ हिज पेयर ऑफ स्केल्स। तो ये जो बच्चा है वो सभी की कॉपी करता है, यानी सभी की नकल करता है, यहाँ तक कि वो अपनी दादी से लेके उसके जो राशन शॉप यानी राशन का जो दुकानदार है उस तरह की नकल करता है, वो भी तराजू के साथ, जिस तरीके से वो तोलता है, जिस तरीके से वो बातें करता है, उस तरीके की सारी ये नकल कर लेता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में नकल करने की आदत रहती है कि उनकी वो एक्टिंग करते हैं। ठीक, अब जो दूसरी जो बच्ची है इसके बारे में बताया गया है, ये है बिस्नी। बिस्नी इज 13, ये 13 साल की है। सी वियर्स ए लूज थ्री पीस ड्रेस, घाघरा चोली एंड ओढ़नी। इसने थ्री पीस ड्रेस पहनी हुई है जिसमें इसका घाघरा चुनरी और चोली है। ठीक है, सी इज़ बोल्ड बट अ चैटर बॉक्स। वह बोल्ड है लेकिन बकबक बहुत करती है, मतलब बोलने में बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, तो बहुत सी लड़कियां आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बोलती रहती हैं, उनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता। तो चैटर बॉक्स मीन्स ये बकबक करना, मतलब हमेशा बोलती रहती है। सी हैज़ टू प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो उसके पास दो प्लेट हैं जो कि उसके दोनों तरफ लटकी हुई हैं। ठीक है, अब जो अगले बच्चे का ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो है लंबू। ठीक है, लंबू के बारे में ये बताएंगे। तो इसके लंबू के बारे में भी हम जान लेते हैं क्या बता रहे हैं ये। लंबू इज़ 11, लंबू 11 साल का है। ही इज़ एवर सो सिंपल एंड इनोसेंट बट रदर ऑकवर्ड एंड ग्रोन टू
टॉल फॉर हिज एज। तो यहाँ पर ये लंबू के बारे में बता रहे हैं, वह हमेशा इतना सरल और मासूम है, मतलब एक सीधा साधा सा लड़का है, बल्कि अजीब और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत लंबा हो गया है। सीधा साधा तो है लेकिन अजीब है, ठीक है, उसका बिहेव समझ में नहीं आता कि किस तरीके का बिहेव है, लेकिन वो जो जितनी उसकी उम्र है उससे ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। कुछ बच्चे देखे होंगे कि वो उम्र में कम होते हैं लेकिन लंबे लंबे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसी तरीके का ये लंबू हो गया है। ही यूजली वेयर्स ए शर्ट एंड पायजामाज, ये हमेशा है ना एक शर्ट और पायजामा पहने हुए है रहता है। ही इज़ ऑलवेज बटिंग इन हैंड आस्किंग सिली क्वेश्चन और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज़। तो यहाँ पर ये लंबू के बारे में बोल रहे हैं, वह हमेशा टोकता रहता है और मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता रहता है या बचकाने विचार देता रहता है। तो इसमें मतलब ये हाइट में तो लंबा हो गया लेकिन ये दिमाग से एक छोटा बच्चा है जो हमेशा ही ना कुछ पूछता रहता है, ये ऐसा कैसा है, वो वैसा कैसा है, ठीक है, कुछ ना कुछ सवाल करता रहता है और कुछ ना कुछ है ना छोटे बच्चों की तरह आइडिया देता रहता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो वो उनके जो विचार होते हैं उसी तरीके का इसका दिमाग है। सीधा साधा बच्चों हम है ना, ये दूसरा जो बच्चा है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा इज 14, ये 14 साल का है। ही इज नीटली ड्रेस इन अ शर्ट एंड शॉर्ट्स और समटाइम्स इन धोती कुर्ता। तो ये हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता है, इसमें कपड़े में ये शर्ट और शॉर्ट या कभी कभी धोती कुर्ता भी पहने रहता है। मतलब ये जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन कपड़े पहनता है, प्रेस करे हुए, ठीक है, और साफ सुथरे है, और कभी कभी ये धोती कुर्ता भी पहनता है। ही इज़ ऑलवेज क्लीन एंड हैज़ ए स्ट्रेट गेट। ये जो बच्चा है वह हमेशा साफ सुथरा रहता है और उसकी चाल सीधी रहती है, मतलब एकदम सीधा चलता है। ही इज़ नोन एज कृष्णा द वाइज, ये कृष्णा द वाइज के नाम से, मतलब एक बुद्धिमान कृष्णा के नाम से जाना जाता है। फॉर एनी थिंग यू कैन नॉट सॉल्व यू कैन गो टू हिम। तो जो भी आपको जिस चीज़ का समाधान आप नहीं कर सकते उसके लिए आप उसके पास जा सकते हैं, यानी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके समाधान के लिए इस बच्चे के पास आप जा सकते हैं। ही विल हेल्प यू फाइंड ए सॉल्यूशन, ये आपको मदद करेगा उस समस्या के समाधान को ढूंढने में, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव लिटिल गिट्टू हु इज़ 12। फिर हमारे पास छोटा सा गिट्टू है जो 12 साल का है। अब ये जो लास्ट बच्चा है जो पांच बच्चों के बारे में हमें जानना था, तो ये इसका नाम क्या है? गिट्टू, और इसकी उम्र क्या है? 12 साल। ही इज़ ए लिटिल टू शॉर्ट फॉर हिज एज, तो वह अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, मतलब जितनी इसकी उम्र है उतनी इसकी हाइट नहीं है। सामान्यतः जो 12 साल के बच्चों की जो हाइट होती है उससे ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज ड्रेस इन खाकी एंड प्लेस द पुलिसमैन पोस्टमैन एंड गैदर्स न्यूज़ एंड गॉसिप्स फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स यू इन्फॉर्म्ड। तो ये इसके बारे में बता रहे हैं कि वह हमेशा खाकी पोशाक पहनता है और पुलिसकर्मी डाकिया की भूमिका निभाता है और पूरे गांव से समाचार और गपशप इकट्ठा करता है और आपको सूचित करता है। यानी इस बच्चे में ये आदत है कि पूरे गांव की इन्फॉर्मेशन रखता है और पूरे में फैला देता है ये, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। वेल दे प्लान टू गो ओवर द नेक्स्ट विलेज धौलपुर बाय बस। अब ये जो बच्चे हैं वो उनकी योजना बस से अगले गाँव धौलपुर जाने की है, ठीक है। ये सारे बच्चे बस के द्वारा धौलपुर जाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड टू टेक सेरू द डॉग विद देम, उन्होंने कुत्ते सेरू को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड देखेंगे एक कुत्ता भी दिया है जिसका नाम सेरू है। वो पांचों ये सोचते हैं कि इसे सेरू को भी अपने साथ लेके चलते हैं। द प्लान इज टू गो नेक्स्ट संडे, और उनका जो प्लान बनता है वो अगले संडे का बनता है। देयर इज़ ए फेयर इन धौलपुर एंड दे वॉन्ट टू सी इट, धौलपुर में मेला है और वे उसे देखना चाहते हैं। तो ये पांचों दोस्त प्लान बना लेते हैं कि जो धौलपुर का मेला है हम उसे देखकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉग भी देख सकते हैं बच्चों, इसका नाम क्या है? सिरू। इट हैज़ कैटरपिलर ट्रेन राइड्स द कार दैट यू कैन ड्राइव थ्रू ए मेज एंड देयर आर हॉर्स राइड्स टू। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इसमें कैटरपिलर ट्रेन की सवारी कारें हैं जिन्हें आप भूल भुलैया के माध्यम से चला सकते हैं, और घोड़े की सवारी भी है। तो उस मेले में एक कैटरपिलर टाइप की ट्रेन है, यहाँ पर नीचे उसका डायग्राम भी दिया है बच्चों, हम उसमें डायग्राम देख सकते हैं कि जो ट्रेन है उसका वो कैसे दिखती है, कैटरपिलर की तरह, ठीक है। कैटरपिलर क्या है? एक इंसेक्ट होता है छोटा सा, उसकी तरह दिखती है, और यहाँ पर वो घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं उस मेले के अंदर। यू कैन सी रियल फिश इन ए स्मॉल एक्वेरियम, मैरी गो राउंड, जाइंट व्हील एंड हंसी घर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप छोटे एक्वेरियम में मैरी गो राउंड, विशाल पहिया और हंसी घर में असली मछलियाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए हैं, जैसे कि है ना आप मछलियाँ देख सकते हैं एकदम असली, ठीक है, एक्वेरियम में। और एक झूला है उसका नाम है मैरी गो राउंड, उसे
झूल सकते हैं, जायंट व्हील मतलब बड़े पहिए बड़े आकार का झूला उसे झूल सकते हैं, और हंसी घर भी है इसमें उसे भी देख सकते हैं। दे आस्क देयर पेरेंट्स फॉर सम मनी फॉर द राइड्स, वे अपने माता पिता से यात्रा के लिए कुछ पैसे मांगते हैं। मदर गिव देम अ फ्यू थिंग्स टू ईट ऑन द वे, रास्ते में माताएं उन्हें खाने के लिए कुछ चीज़ें देती हैं। मतलब जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, सभी माएँ अपने बच्चों की फिक्र करती हैं, तो वो अपने बच्चों को कुछ चीज़ें दे देती हैं कि जिससे वो रास्ते में उस चीज़ों को खा सकें अगर भूख लगे तो, क्योंकि ना हर जगह खाने का इंतजाम नहीं होता। वो छोटे बच्चे थे 12 से 14 साल तक के, तो उन्हें वो खा सकते थे उस चीज़ों को जो उनकी माताओं ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ट्रेन को, ये कैटरपिलर टाइप की मैंने आपको बताया था, है ना। तो आगे इसे स्टोरी को पढ़ते हैं। दे बाय देयर टिकट्स, बोर्ड द बस, सिट ऑन द वॉलनट एंड हडल टुगेदर, वे अपने टिकट खरीदते हैं, बस में चढ़ते हैं, घिसी पिटी सीटों पर बैठते हैं। तो यहाँ पर दिया है बच्चों कि उन्होंने टिकट खरीद लिए और बस में चढ़े और उसकी जो घिसी पिटी सीटें थी बस की उसमें बैठ गए। सेरू इज़ कीपिंग ए वॉच एट एवरीथिंग अराउंड, जो उनका कुत्ता था सेरू, वो चारों ओर हर चीज़ को देख रहा था, मतलब हर चीज़ पर वो नज़र रख रहा था। द बस डज नॉट मूव, लेकिन जो बस थी वो नहीं चल रही थी। ठीक है, बस अभी तक नहीं चल रही थी। अब जो किस्तो है वो बोलता है, ओ हो हाँ कंडक्टर चाचा, व्हाट शैल वी डू नाउ। तो जो किस्तो है वो बोलता है, हो हो हाँ कंडक्टर चाचा, अब हम क्या करें, क्योंकि वो बस नहीं चल रही थी तो किस्तो को उत्सुकता हुई, तो उसने बोला कि कंडक्टर चाचा अब हम क्या करें, वाई आर वी नॉट मूविंग, तो आप क्यों नहीं चल रहे हैं, मतलब आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, किस्तो ऐसा पूछता है। तो कंडक्टर बोलते हैं, समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग विद द इंजन, तो कंडक्टर बोलते हैं लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ है। विस्नी, वी विल वेट फॉर अ वाइल, तो विस्नी कहती है हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो किस्तो, हा हा हा, वेट फॉर वॉट, दे हैव नो प्रॉपर टूल्स, हाउ विल दे रिपेयर इट। तो किस्तो बोलता है, हा हा हा, हंसते हुए बोलता है, इंतज़ार किस लिए, उनके पास कोई उचित उपकरण नहीं है, वे इसकी मरम्मत कैसे करेंगे। यानी जो बस वाले हैं, इनके पास बस रिपेयर करने के लिए कोई सही उपकरण नहीं है, तो वो किस प्रकार से बस को रिपेयर करेंगे, वो सोचता है कि हम किस तरीके से मेले में पहुंचेंगे। गिट्टू, व्हाट शैल वी डू, व्हाट टू डू, हम क्या करें, क्या करें। तो गिट्टू बोलता है, अब हम क्या करें, क्या हो सकता है। नोबडी ऑन द बस सीम्स टू नो, बस में किसी को पता नहीं चलता, मतलब बस में कोई नहीं जानता था अब क्या होगा, कि बस रिपेयर होगी कि नहीं होगी, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। लम्बू, लेट्स गो होम, तो इस पर लम्बू बोलता है चलो घर चलते हैं। विस्नी, व्हाट फॉर, तो विस्नी बोलती है किस लिए। लम्बू, ओह द बस हैज़ ब्रोकन डाउन, वी कैन नॉट गो टू धौलपुर, सो लेट्स गो बैक टू रामपुर। तो जो लम्बू है वो बोलता है, अरे बस ख़राब हो गई है, हम धौलपुर नहीं जा सकते हैं, तो चलिए वापस चलते हैं रामपुर। कृष्ण, नो नो, आई थिंक वी कैन वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न टुमारो बाय द मॉर्निंग। तो जो कृष्ण है वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे लगता है कि हम मेले तक चल सकते हैं और कल सुबह की बस से लौट सकते हैं। तो विष्णु जो कृष्ण था वो बोलता है कि हम पैदल ही चलते हैं मेले तक और कल सुबह लौट आएंगे वहाँ रात में रुक कर। तो ऐसा प्लान बन रहा था, क्योंकि ना जो बस थी वो ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही जाने की सोच रहे थे। तो इस पर विष्णु बोलती है, दैट्स अ गुड आइडिया, आई सर्टेनली वॉन्ट टू सी द मेला एंड द न्यू राइड्स। तो जो बिस्नी है वो बोलती है, तो यह तो अच्छा विचार है, मैं निश्चित रूप से मेला और नई सवारियां देखना चाहती हूँ। तो इसमें जो बिस्नी थी वो भी एग्री हो जाती है। गिट्टू, आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग, तो जो गिट्टू बोलता है, मुझे यकीन है कि तुम चलते चलते थक जाओगे। तो गिट्टू को ऐसा लगता है कि इतनी दूर तक पैदल चलेंगे तो ज़रूर ये थक जाएंगे। बिस्नी, नो नो, आई वॉक टू सो मैनी प्लेसेस, आई एम श्योर आई कैन डू इट। तो विष्णी इस पर बोलती है, नहीं नहीं, मैं कितनी जगहों पर पैदल जाती हूँ, मुझे यकीन है कि मैं यह कर सकती हूँ। तो किस्तो बोलता है, आह दैट्स ए ब्रेव गर्ल। तो जो किस्तो था वो बोलता है, आह वह तो बहादुर लड़की है, मतलब ये तो बहादुर लड़की है, इतनी दूर तक पैदल चल सकती है। तो इस पर किस्तो भी शायद एग्री हो गया है वहाँ मेले तक पैदल जाने के लिए। अब जो कृष्ण है वो बोलता है, लेट्स गो, वी विल कॉल द पोस्टमैन चाचा ऑन टेलीफोन टू टेल अवर पेरेंट्स दैट वी आर सेफ एंड विल बी बैक बाय टुमारो। तो कृष्ण इस पर बोलता है, चलो हम डाकिया चाचा को टेलीफोन करके अपने माता पिता को बताएंगे कि हम सुरक्षित हैं और कल तक वापस आ जाएंगे। मतलब वो घर वालों को भी इन्फॉर्म करना चाहते थे कि जिससे उनके घर वाले चिंता ना करें कि वो बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए, अब वो रात वहीं बस कर आएंगे। दे रिटर्न द टिकट एंड गेट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंडक्टर।
वे टिकट वापस कर देते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं कंडक्टर से, मतलब जितना भी उन्होंने टिकट के लिए पैसा दिया था वो टिकट देकर वापस पैसा ले लेते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम बच्चों था एक साइड का, मतलब एक तरफ का टिकट, वो यहाँ से तो बिना टिकट के गए थे वहाँ से टिकट से आएंगे। गिट्टू, वॉक फास्ट इट विल बी डार्क सून। तो जो गिट्टू है वो बोलता है जल्दी चलो जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी रात हो जाएगी, अब हमें जल्दी चलना चाहिए नहीं तो फिर रात हो जाएगी, फिर हमें दिक्कत हो सकती है। सो द फाइव फ्रेंड विद देयर डॉग सेरू वॉक टू धौलपुर एंड रीच द फेयर ग्राउंड एट अबाउट 7 o'clock इन द इवनिंग। अब जो पांचों दोस्त हैं वे अपने कुत्ते सेरू के साथ धौलपुर की ओर चल दिए और शाम करीब 7 बजे मेला मैदान पहुंच गए। तो इस तरीके से बच्चों वो बच्चे मेला मैदान में पहुंच जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी भी समाप्त होती है। यदि आप हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th के इंग्लिश के लेसन नंबर 12 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वन वे टिकट। तो इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस लेसन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है रीड एंड लर्न, हमें पढ़ना है और सीखना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कठिन शब्द दिए हैं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हैं जिन्हें कि हमें पढ़ना है और इन्हें सीखना है, मतलब याद कर लेना है, जिससे कि आगे चलकर कभी भी इनके वर्ड्स की जरूरत पड़े तो आपको वहाँ आसानी से आ जाए। ठीक है, तो मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। जैसे कि टू सॉर्ट, चैटर बॉक्स, गॉसिप, मेज, कॉपीज, पैच, अर्च, चाइल्डिस्ट आइडिया, हडल टुगेदर, इनोसेंट, गेट, स्केल्स, प्लेट्स, एक्यूरियम, ऑकवर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया बच्चों, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अब बच्चों, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें दिया है आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, इनके आंसर हमें देना है। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है बच्चों, उसके बेस पर हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। अब बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट डज किस्तो वियर। जो किस्तो नाम का लड़का था उसने क्या पहना था? तो किस्तो ने बच्चों खादी कुर्ता पहना हुआ था और पजामा पहना हुआ था। जो पजामा पहना था वो उसका जो टांगे थी बहुत ज्यादा लंबी थी, उससे वो शॉर्ट था। ठीक है, मतलब जो खादी कुर्ता पहना हुआ था उस पर पजामा पहना हुआ था उसके साथ में, और पजामा उसकी टांगों की अपेक्षा छोटा था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे किस्तो वियर्स अ लॉन्ग खादी कुर्ता एंड हिज पजामास आर टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट है हु इज अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कौन थी, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला कौन था उनमें? जो पांचों बच्चे इसमें दिए हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन बोलता था? तो उसमें सबसे ज्यादा बच्चों विस्नी बोलती थी, इसलिए चैटर बॉक्स किसे कहा गया है? विस्नी को। तो इसका आंसर लिख देंगे विस्नी इज अ चैटर बॉक्स, विस्नी चैटर बॉक्स है। थर्ड है व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू। लंबू हमेशा क्या करता था? तो बहुत ज्यादा बच्चों अजीब था वो, बचकानी हरकतें करता था और अजीब अजीब से क्वेश्चंस करता था लंबू। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे लंबू इज ऑलवेज बर्डिंग इन द आस्किंग सिली क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब अजीब से है ना क्वेश्चंस करता रहता था जिसका कि कोई मतलब ही नहीं निकलता था। ठीक, और गिवन चाइल्डिस्ट आइडिया, और बचकाने योजनाएं बताता रहता था, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं ना, बच्चे कैसे आइडिया योजनाएं बनाते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, उसी तरीके से लंबू भी वो उस बचकानी हरकतें करता रहता था। ठीक, क्योंकि है ना उसकी जो उम्र थी वो बहुत कम थी, उसके हिसाब से उसकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी, देखने में वो बड़ा लगता था लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसे ही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th वो है व्हाई इज कृष्णा कॉल्ड द वाइस मैन। कृष्णा को वाइस मैन क्यों कहा गया है? तो जो कृष्णा नाम का बच्चा था बच्चों वो बहुत ज्यादा चतुर था, वो सभी लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते थे तो वो उनका सॉल्यूशन देता था, इसलिए उसे वाइसमैन कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कृष्णा इज कॉल्ड द वाइसमैन बिकॉज ही सॉल्व्स एवरीवन्स प्रॉब्लम, क्योंकि वो सभी की समस्याओं का समाधान कर देता था, इसीलिए उसे वाइसमैन कहा गया है। नेक्स्ट है 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस, हमें गिट्टू के ड्रेस के बारे में बताना है। हाउ डज ही कीप एवरीबॉडी इन्फॉर्म, वो हर एक को कैसे इन्फॉर्म करता था? तो जो गिट्टू नाम का बच्चा था वो बच्चों खाकी ड्रेस पहनता था, जैसे पोस्टमैन, पुलिस वाले या टाइप के जो आदमी वर्दी पहनते ना खाकी कलर की, इस तरीके की वो ड्रेस पहनता था। और वो क्या है कि पूरे गांव से ना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और सभी के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता था। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस इन खाकी, वो हमेशा खाकी कलर की ड्रेस पहनता था। ही गैदर्स न्यूज एंड गॉसिप फ्रॉम होल विलेज, वो न्यूज और गॉसिप को पूरे विलेज से यानी गांव से इकट्ठा करता था। न्यूज मतलब होता है समाचार और गॉसिप मतलब होता है गपशप। ठीक है,
पूरे गांव से इकट्ठा करता था एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म, और सबको उसके बारे में बताता था। मतलब ये एक तरीके से जो डाकिये होते हैं ना, लेटर को कलेक्ट करते हैं, फिर जिसका लेटर जहां होता है वहां पहुंचा देते हैं, इसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और फिर पूरे में फैला देता था। ठीक है, कुछ इंसानों की ये आदत होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वो है व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन। जब बस खराब हो गई तो बच्चे थे उन्होंने क्या प्लान बनाया, क्योंकि बच्चे मेला जा रहे थे तो रास्ते में बच्चों की है ना बस खराब हो जाती है, तो बच्चों ने पैदल ही जाना का प्लान बनाया कि हम पैदल ही मेला जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द चिल्ड्रन प्लान टू वॉक टू द फेयर। बच्चों ने प्लान बनाया कि हम पैदल ही मेले तक जाएंगे एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे, और अगले दिन लौटेंगे बाय द मॉर्निंग बस, सुबह की बस के द्वारा। मतलब बच्चों ने ये प्लान बनाया कि हम पैदल ही मेला जाएंगे और अगले दिन सुबह लौटेंगे सुबह की पहली बस से। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने प्लान बनाया था। सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डज कृष्णा सजेस्ट टू गो ऑन फूट। कृष्णा ने क्यों सजेस्ट किया पैदल जाने के लिए? कृष्णा ने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि और कोई बस नहीं, वो जो बस थी वो बन नहीं पा रही थी। ठीक है, इसलिए उसने सजेस्ट किया था कि हम पैदल ही चलते हैं, क्योंकि कोई उपकरण जो टूल होते हैं बस को बनाने के वो बस वाले के पास नहीं थे, तो बस बन नहीं पा रही थी, इसलिए कृष्णा ने बोला कि हम पैदल ही चलते हैं मेले तक। क्योंकि तो इसका आंसर लिखेंगे कृष्णा सजेस्टेड टू गो ऑन फूट बिकॉज देयर वर नो चांसेस ऑफ द बस टू गेट रिपेयर सून। कृष्णा ने पैदल जाने का इसलिए प्लान बनाया क्योंकि कोई भी चांस नहीं था बस का जल्दी बनने का। ठीक, नेक्स्ट है जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट डू दे डू द इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स से इन्फॉर्म कैसे किया? तो जो एक डाकिया चाचा थे उनको कॉल करके उन्होंने बताया कि ना हम कल आएंगे, लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डाकिया चाचा ने सभी को बता दिया, सभी के पेरेंट्स को जाके बोल दिया कि जो बच्चे हैं वो मेले से कल आएंगे। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे दे कॉल द पोस्टमैन ऑन टेलीफोन। उन्होंने पोस्टमैन को कॉल कर दिया टेलीफोन पे टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट देम, उनके बारे में बताने के लिए कि बच्चे लेट हो जाएंगे, आज नहीं लौट पाएंगे, वो कल लौटेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे हो जाते हैं बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ए नंबर वाला पार्ट है वो है यूज द फॉलोइंग पैरेंसेज इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें कुछ पैरेंसेज दिए हैं जैसे कीपिंग अ वॉच वर्ड वर्ड अ बस थ्री पीस ब्रोकन डाउन, तो इसका हमें इनका सेंटेंसेस में यूज करना है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है माई टू व्हीलर डैश व्हेन आई वाज गोइंग होम। तो मेरी जो टू व्हीलर थी वो ब्रोक डाउन हो गई, मतलब टूट गई, खराब हो गई। ठीक है, व्हेन आई वाज गोइंग होम, जब मैं घर जा रहा था, तो यहाँ पर ब्रोक डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रोक डाउन। सेकेंड है मोती द डॉग इज डैश ऑन ऑल द पीपल गोइंग इन साइड द गेट। तो जो मोती नाम का जो डॉग है वो सभी लोगों पे नजर रखे हुए जो कि गेट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कीप अ वॉच। ठीक है, नजर रखने को क्या बोलते हैं अपन, कीपिंग अ वॉच। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कीपिंग अ वॉच, इस तरीके से। थर्ड है वी हैव टू डैश एट पिपरिया टू गो टू पंचमढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड अ बस, ये आ जाएगा बोर्ड अ बस, बस। फोर्थ है आई हैव डैश ब्लू शर्ट, तो मेरे पास थ्री पीसेस पीस में ब्लू शर्ट है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम थ्री पीस, थ्री पीस। इस तरीके से बच्चों ये ए नंबर वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर। अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थ्री का बी नंबर वाला पार्ट है वो है देयर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग इन ईच पेयर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके साउंड सेम है लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें सेम साउंड वाले वर्ड दिए हैं जिन्हें कि हम ठीक है उसके मीनिंग से मैच करवाएंगे, जैसे कि टायर और टायर, ये साउंड सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। टायर, ये टायर मीन्स होता है थका हुआ। ठीक है, इसे हम एग्जॉस्ट भी बोलते हैं, और ये टायर मतलब जो गाड़ियों में जो पहिए लगते हैं ना वो मीन होता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा रबर कन्वेइंग ऑन व्हील्स। ठीक, तो इन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पे हमें करके भी दिया है। नेक्स्ट है ये है हेयर, हेयर मीन्स क्या, ये रैबिट ही है। ठीक है, ये तो सेम है तो इसे इससे ही मैच करवा देंगे, मीन्स खरगोश। ठीक है, और ये हेयर तो इसका मीन्स होता है बाल। ठीक है, बाल, तो इट ग्रोज ऑन अवर हेड, हमारे सर पर ये उगते हैं तो वो क्या होते हैं, बाल। ठीक, थर्ड है ये है क्विट, क्विट मीन्स होता है नो नॉइस, मतलब शांत एकदम। फोर्थ है क्विट,
यह है कंप्लीटली, ठीक है, मतलब पूर्ण हो गई कोई चीज या फिर समाप्त हो गई। ठीक, फोर्थ है प्लेन। प्लेन मीन्स होता है एकदम समतल, ठीक है, खुरदुरा नहीं, जो समतल होता है, प्लेन यानी सिंपल। नेक्स्ट है प्लेन, ये प्लेन मीन्स होता है एन एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज, ठीक है, उसे हम प्लेन बोलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि साउंड सेम थी लेकिन मीन डिफरेंट डिफरेंट था, तो उस बेस पर हमने उन वर्ड्स को उनके मीन से मैच करवा दिया। ठीक, तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।